आप देख रहे हैं। पुलिस थाना धर्मपुर के अंतर्गत सुखी झोड़ी में बुधवार की सुबह करीब 8 बजे लगाए गए पुलिस नाके के दौरान एक युवक से 14.19 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धर्मपुर थाने की पुलिस टीम ने सुखी जोड़ी में नाका लगाया हुआ था। नाके के दौरान वहां से एक युवक गुजरा जो पुलिस को देखकर डर गया, तो पुलिस को इस युवक पर संदेह हुआ और पुलिस ने उसकी तलाशी ली और तलाशी के दौरान इस युवक के पास खाने के डिब्बे में से 14.19 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। युवक की पहचान रवि कुमार निवासी सुखी जोड़ी के रूप में हुई है। पुलिस ने युवक को चिट्टे सहित गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी दयाराम ठाकुर ने बताया कि उक्त आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस पकड़ी गई चिट्टे की खेप के तार कहां तक जुड़े हैं और इस नशे की तस्करी में आरोपी के साथ कितने लोग संलिप्त हैं। आरोपी को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज सुबह लगभग 8 बजे धर्मपुर थाने के हमारे एक आईओ हैं एएसआई कमलेंदर, उन्होंने अपनी टीम के साथ कसौली रोड पे जो ओल्ड सीएचसी है वहां पे नाका लगाया था। तो लगभग 8 बजे वहां पे एक व्यक्ति आया जो कि जिसके हाथ में एक लंच बॉक्स पकड़ा था उसने। वो पुलिस को देख के कुछ घबरा गया। इसको जब रोक के गवाहों के सामने चेक किया गया तो इसके लंच बॉक्स से 14.19 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है। पूछने पर इस व्यक्ति ने अपना नाम रवि कुमार बताया जो कि सुखी जोड़ी का रहने वाला है, 31 ईयर्स ओल्ड है। इस केस में पुलिस ने 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है। इस मामले की पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने की है। कुठाड़ जिला सोलन से आपका चैनल के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।